अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। लॉकडाउन रेसिपी में आज हम बनाने वाले हैं काले चने से तीन रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये टेस्टी है, हेल्दी है और साथ में टाइम पास भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ हमने दो कप काले चने लिए और इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगा के रखा। चने अच्छी तरह भीग गए हैं, आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी भिगा के रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चनों को उबाल लेते हैं। प्रेशर कुकर में ये चने को हम डाल देंगे। 2 कप डालेंगे हम इसमें पानी। 1 से 1.5 टीस्पून डाल दें नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका लगा देंगे हम ढक्कन। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर इसमें 4 से 5 सीटी लगा लेते हैं। ये आप तब तक गला लें जब तक ये चने अच्छी तरह गल नहीं जाते। चने अच्छी तरह उबल गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ हम आपको एक चना दिखा देते हैं, ये देखिए। जब ये चने इस तरह उबल जाएं, तो अब बनाएंगे हम सबसे पहले चटपटे चने। चटपटे चने बनाने के लिए कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई। 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। 1 से 2 हरी मिर्च इसे हमने बारीक काट लिया है। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हल्की गुलाबी फ्राई हो जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, करी पत्ता और 1 आलू डाल देंगे। अगर हो आपके पास में आलू उबला हुआ तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। 1 छोटा टमाटर इसे हमने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। ये सारी चीजों को हम थोड़ी देर भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चना, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। नमक हम चने में पहले डाल चुके हैं, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हम यहाँ 1/4 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, पुदीना हो तो ले लें, नहीं तो स्किप कर दें। ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं। तो गैस को यहाँ मंदा करेंगे और इसे हम ढांक देंगे। 1 से 2 मिनट ढांक कर पकाने के बाद में गैस को करेंगे हम बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो ये चटपटे चने बनकर तैयार है। तो ये चटपटा चना बनकर तैयार है। अब बनाएंगे हम चने की सलाद। चने की सलाद बनाने के लिए यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटे हुए टमाटर 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज, 1 हरी मिर्च इसे हमने बारीक काट लिया है, बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। यहाँ हम सफेद नमक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने चने में नमक डाल दिया था। अगर आप यहाँ पर नमक थोड़ा सा तेज खाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सफेद नमक भी डाल सकते हैं। तो 1 चुटकी के करीब आप सफेद नमक डाल दें। अब डालेंगे हम इसमें ये चने, 1/2 नींबू का रस डाल देंगे और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये सलाद बनकर तैयार होती है। आप इसे रमजानों में भी ट्राई कर सकते हैं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब बनाएंगे हम दही वाले चने। दही वाले चने बनाने के लिए 1 टेबल स्पून हम दही लेंगे, दही गाढ़ा और फ्रेश लेंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। दही वाले चने में अगर आप चाट मसाला पसंद करते हैं तो 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल दें। अगर आप चाट मसाला नहीं पसंद करते तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी सफेद नमक डाल लें। ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, धनिया बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में 1 कटोरी डालेंगे इसमें चने और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में ये दही वाले चने भी बनकर तैयार है। ये भी बहुत हेल्दी और टेस्टी होते हैं। तो ये 3 तरह के चने बनकर तैयार हैं, चटपटे चने, दही वाले चने और चने की सलाद। इसे ट्राई करें, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।